एक दीवानी या है एक जासूस पाकिस्तानी। सचिन के प्यार में सीमा ने की हद पार। इश्क में डूबी सीमा का क्या है कोई आतंकी कनेक्शन। पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से भारत में एंट्री। लव स्टोरी में ट्विस्ट, ये प्यार है या सब कुछ है फिक्स। चार मुल्कों में सुबूत, क्या सीमा है जासूसी दूत। कहते हैं इश्क में लोग हद पार कर देते हैं, लेकिन ऐसे कम ही मामले होते हैं जब लोग इश्क में सरहदें पार कर देते हैं। आपने शाहरुख खान और पीटी जिंटा की फिल्म वीर जारा तो देखी होगी, जिसमें वीर अपनी जारा के लिए सरहद पार कर पाकिस्तान चला जाता है और जहां उसे जासूस समझकर पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे प्यार को और सच को कोई झुठला नहीं सकता। यहाँ तो वीर को अपनी जारा भी मिल जाती है और वीर की वतन वापसी हिंदुस्तान में हो जाती है। 2023 में एक ऐसा ही मामला आया है भारत में, जहाँ एक प्रेम दीवानी अपने प्यार की खातिर दो मुल्कों की सरहद पार कर भारत आ गई, यूपी के ग्रेटर नोएडा। वो भी अकेले नहीं, अपने चार बच्चों के साथ। जी हाँ, पूरा नाम सीमा हैदर, उम्र 29 साल, पता पाकिस्तान का कराची। सीमा हैदर या फिर सीमा ठाकुर, लव स्टोरी या फिर साजिश की थ्योरी, प्यार या फिर पाकिस्तान का जासूसी वाला बात, ऐसे कई सवाल सीमा के नाम से जुड़े हुए हैं। वो सीमा जो अपने चार बच्चों के साथ पाकिस्तान की सीमा को लांघकर भारत आ गई है। सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट से सनसनीखेज खुलासे। फरवरी 2022 में सीमा हैदर ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। 1.5 साल में 9 बार सीमा हैदर ने अपना यूजर नेम बदला। सचिन सहित 16 लोगों को फॉलो करती थी। भारत की खबरों के लिए ANI न्यूज एजेंसी को फॉलो करती थी। बाकी फॉलोवर्स में ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़े इंस्टा अकाउंट थे। बागेश्वर धाम और महादेव से जुड़े अकाउंट भी फॉलो करती थी। प्रेम कहानी या साजिश, अब UPATS एक्शन में आ गई है। व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर पूछताछ की तैयारी भी है। सीमा के ID कार्ड हाई कमीशन भेज दिए गए हैं। सीमा की इस प्रेम कहानी और भारत में एंट्री लेने के पूरे एपिसोड में साजिश का एंगल देखा जा रहा है, क्योंकि सीमा के परिवार का पाकिस्तानी आर्मी से सीधा ताल्लुक है। चाचा और भाई पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार। सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार है। सीमा का भाई पाकिस्तानी सैनिक है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा से सिर्फ UPATS ही नहीं, बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी। एक तरफ सीमा से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी सीमा के इस कदम के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। अब सवाल ये है कि सीमा पर किसी को शक क्यों नहीं हुआ। सीमा हैदर पर नहीं हुआ शक। PUBG कहने को एक गेम है, जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठा शख्स इस खेल का हिस्सा बन सकता है। यही PUBG सीमा और सचिन की मोहब्बत का प्लेटफॉर्म बना, जहां दोनों शुरू में खिलाड़ी थे, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो बात दूर निकल गई। वो साल था 2020, जब कोरोना में लॉकडाउन के वक्त सीमा ने घर में रहकर PUBG खेलना शुरू किया था। कुछ और तथ्यों को देखा जाए तो सीमा और सचिन ने पहले नेपाल में मुलाकात की और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तान से सीमा का भारत आना। नेपाल से भारत में दाखिल होना आसान था, इसलिए नेपाल को चुना गया। यूपी पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर ने भारत आने के लिए यूट्यूब में वीडियो देखना शुरू किए। भारत आने के लिए सीमा सबसे पहले दुबई गई। 11 मई को दुबई से नेपाल आई। नेपाल से बस में बैठकर सीमा 13 मई को दिल्ली आई। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर पर किसी को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अपने चार बच्चों के साथ थी। इतना ही नहीं, भारत आने से पहले सीमा पाकिस्तान में अपना घर बेचकर आई है। सीमा हैदर को जान गए। कराची के रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है, उसके चार बच्चे हैं। वो दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हजानों गांव की रहने वाली है। 3 बहनों में वो दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो सेना में काम करता है। उसने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से 5वीं तक की पढ़ाई की है। वो 12 साल की थी जब उसकी माँ की मौत हो गई। सीमा के मुताबिक 17 साल में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उसकी बहनें और पिता भी आसपास ही रहने लगे। उनका 2016 में पहला बेटा फरहान और बाद में 3 बेटियां फरवा, फरीहा और फरहा पैदा हुई। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया और वो घर पर अकेली रह गई। तब उसका सहारा बना PUBG और मिला सचिन मीना का साथ। सचिन से मिलने के लिए सीमा ने क्या क्या किया। सीमा के मुताबिक उसने अपना पासपोर्ट बनवाया,
फरवरी 2023 में भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया। वीजा नहीं मिलने पर नेपाल में मिलने का फैसला किया। सचिन ने 8 मार्च को कश्मीरी गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने शरजहां होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। 10 मार्च को दोनों काठमांडू पहुंच गए। सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। एक हफ्ते तक वो काठमांडू में पति पत्नी की तरह थे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फोटो खिंचवाए और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किए। इसके बाद वो हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान लौट गई। फिर घर बेचकर वापस अपने बच्चों के साथ नेपाल गई। फिर वहां से भारत आ गई और यहीं सचिन के साथ रहने लगी। उधर सीमा के पति गुलाम हैदर ने पीएम मोदी से अपील की है कि उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसने सीमा के साथ जबरन निकाह करने की बात को नकारा है। उसका कहना है कि दोनों ने घर से भागकर लव मैरिज की थी और इसका इकरारनामा भी उसके पास है। वहीं सीमा का कहना है कि अगर वो वापस लौटी तो वहां के लोग उसे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। उसने पूरी तरह हिंदू धर्म अपना लिया है और जैसा सरकार चाहेगी वो वैसा ही करेगी। वो भले ही यहाँ की जेल में रहेगी लेकिन वापस नहीं लौटेगी। ये वाकई प्यार है या कोई जासूस है, इसका पता तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन वाकई अगर ये प्यार है तो कहा जा सकता है कि प्यार में हद नहीं सरहदें भी पार की जा सकती है।